हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द एग्ज़ाम नामा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें एंशियंट हिस्ट्री का एमसीक्यूज। इसके पहले मैं एंशियंट हिस्ट्री का कंप्लीट लेक्चर भी करा चुका हूँ, वन लाइनर के फॉर्म में है। उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप लोग अभी ये पहले आप एमसीक्यूज देख सकते हैं, या पहले आप उसका थ्योरी देख के फिर एमसीक्यू अटेम्प्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो भी देखें, या तो आप एमसीक्यू के थ्रू भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबने तो पढ़ा हुआ है, बस ये रिविज़न के लिए है, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एंशियंट हिस्ट्री का एमसीक्यूज, और इसमें कंप्लीट एमसीक्यूज होगा एंशियंट हिस्ट्री का। इसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पाला रूलर्स। तो इसमें पाला बता रहा है कि पाला रूलर्स के बारे में कौन सा इंस्क्रिप्शन जो इन्फॉर्मेशन देता है। तो आइए देखते हैं, मुंगेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ देव पाला, भागलपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ नारायण पाला, एंड बांगर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ विग्रपाला। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे तीनों ही जो है पाला के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, तो पाला रूलर के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट, अगला है अर्लीस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द बिहार। अर्लीस्ट सोर्स हिस्ट्री का बिहार का जो है वो कौन से में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में, अथर्ववेद में मिलता है अर्लीस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू द मौर्यंस। तो मौर्यंग का इसमें से कौन से इंस्क्रिप्शन है? फर्स्ट है लौरिया अरेराज, लौरिया नंदगढ़, रामपुरवा। देखिए ये सब इसमें जो है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ही हैं, जितने भी आप अगर देखोगे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं और फ्रीक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं एंशियंट में। जो डेवलपमेंट हो चुका है वो हो चुका है। तो इसमें से देखते हैं कि मौर्यन का जो है इंस्क्रिप्शन मौर्यन से कौन से बिलोंग करता है। तो इसमें से लौरिया अरेराज, लौरिया नंदगढ़ एंड रामपुरवा, इसमें से तीनों हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग महाजनपदास इन बिहार। तो जब बिहार के महाजनपदास के बारे में कौन सा इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं हम लोग, विनय पितका, अंगुत्तर निकाया एंड कपला सूत्र एंड दीघा निकाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाया। अगला देखते हैं, विच आस्पेक्ट हैज़ बीन कवर्ड बाय द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्या। बोला जाता है कि कौटिल्या में जो तो कौटिल्या का बुक है अर्थशास्त्र, उसमें से कौन सा आस्पेक्ट कवर किया गया, किसके बारे में लिखा गया है? तो यह है बेसिकली पॉलिटिकल आस्पेक्ट्स, स्टेट क्राफ्ट, मतलब स्टेट को कैसे रूल करना है उसके बारे में। तो देखिए अर्थशास्त्र से हमको कन्फ्यूज नहीं करना है कि इकोनॉमी के बारे में, नहीं, ये पॉलिटी के बारे में था कौटिल्या का अर्थशास्त्र। देखते हैं नेक्स्ट, द पंचोभा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है पंचोभा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन? तो ये बिलोंग करता है, ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समग्रामगुप्त एंड समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचोभा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समग्रामगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, द स्टोरी ऑफ विच द इपिक हैज़ बीन डिपिक्टेड ऑन द ब्रिक वॉल ऑफ विष्णु टेम्पल एक्सकवेटेड फ्रॉम अपसद इन द गया डिस्ट्रिक्ट। तो गया डिस्ट्रिक्ट में जो विष्णु टेम्पल के वॉल पे जो इंस्क्रिप्टेड है वो किससे बिलोंग करता है? तो इसका ऑप्शन है रामायण, महाभारत, श्रीमद भागवत गीता और स्टोरी ऑफ द दामयंती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामायण का स्टोरी डिपिक्टेड है विष्णु टेम्पल के वॉल पर। देखते हैं नेक्स्ट, अगला है, इन विच प्लेस इन बिहार हैज रिमेन्स ऑफ मोनोमेंटल बिल्डिंग ऑफ फायर बर्नड ब्रिक्स बिलोंग टू द कुशन पीरियड हैव बीन एक्सकेवेटेड। पूछा जा रहा है कि बिहार में कहाँ पे जो है फायर बर्न ब्रिक जो है कुशन पीरियड का मिला है? तो ये मिला है आपका चिरांद में, ऑप्शन नंबर बी, चिरांद में मिला है ये। अगला है, अशोकन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन बिहार वर रिटर्न इन विच स्क्रिप्ट। जो अशोका का इंस्क्रिप्ट मिला है बिहार में वो कौन से स्क्रिप्ट में लिखा गया है?
तो ये लिखा गया है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला, ये है हु एक्सकवेटेड द नालंदा महावीरा एट द बारागांव इन नालंदा, किसने खोज किया, किसने मतलब कि इसका एक्सकवेट किया नालंदा महावीरा का। देखते हैं ऑप्शन है मैकेंजी, व्हीलर, स्पूनर एंड कनिंगम। तो ये वेरी फेमस कनिंगम ने नालंदा महावीरा का एक्सकवेट किया उसका। अगला है फर्स्ट न्योलिथिक कल्चर इन बिहार वॉज फाउंडेड, फर्स्ट न्योलिथिक कल्चर जो है बिहार में कहाँ पे मिला, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन है चिरान, चेचर, चंपा और मानेर शरीफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मिला है चिरांद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है अपसद इंस्क्रिप्शन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, तो किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो ये करता है पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ये, जो अभी हमने देखा विष्णु टेम्पल के बारे में पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन, जो उसके वॉल इंस्क्रिप्शन है, तो ये पोस्ट गुप्ता के बारे में बताता है। अगला है द एक्सकवेशंस एट सराय टीला इन नालंदा, इट नालंदा है यील्डेड, क्या निकला है वहाँ से, तो निकला है बुद्धिस्ट बिहार ऑफ पाला टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं विच जैन कैनॉन गिव्स एन अकाउंट ऑफ लिच्छवी ऑफ वैशाली, जो कौन सा ऐसा जैन मतलब सेंट है, उसका ये है फिलोसोफर है या सेंट है जो भी बोलिए, कि देता है अकाउंट ऑफ लिच्छवी और वैशाली के, लिच्छवी के बारे में बताया जाता है, तो वो है भागवती सूत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला है बुद्धा कैनॉन्स दिघा निकाया एंड विनय पिताका गिव्स अकाउंट ऑफ, दिघा निकाया एंड विनय पिताका जो है किसके बारे में उसमें चर्चा किया गया है, तो ऑप्शन है मोनार्क ऑफ मगधा रिपब्लिक ऑफ वैशाली पोस्ट मौर्यन बिहार, ए एंड बी और नीदर, इसमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये दोनों के बारे में दिया गया है, मोनार्क ऑफ बुद्धा रिपब्लिक ऑफ वैशाली एंड पोस्ट मौर्यन बिहार के बारे में भी इसमें इस अकाउंट में है। तो अगला देखते हैं विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट थ्रोज लाइट ऑन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार अंडर गुप्ताज, तो कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बताता है गुप्ताज के टाइम पे, तो गुप्ताज के टाइम पे बताता है। ऑप्शन है दीपवंशा फर्स्ट, सेकंड है महावंशा, तो और थर्ड है आर्यन मंजूश्री मुलकल्पा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास मेंशन अबाउट किकटास एज द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ मगधा, तो कौन सा मेंशन करता है इसमें कि जो अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स था मगधा का, उसको किकट्स बोलते हैं, तो ये मिला किस में है, तो ये इसमें ये किस में मेंशन है, ये है आपका मेंशन ऋग्वेदा में। रिमेन्स ऑफ विच पीरियड हैव बीन फाउंड एट चिरांद एंड चेचर, सारण और वैशाली भी प्रेजेंट का बोलता है कि कौन से किसका रिमेन्स वहाँ पे मिला है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अर्ली पेलियोलिथिक, कॉपर पेलियोलिथिक, न्योलिथिक एज एंड मेसोलिथिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी न्योलिथिक एज के बारे में यहाँ पे मिला है। अगला है कैलकुलिथिक एज रिमेन्स हैव बीन फाउंड, कैलकुलिथिक एज का रिमेन्स जो है कहाँ पे उसका एविडेंस मिलता है, कौन से प्लेस पे, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है चेचर जो अभी का वैशाली है, चिरांद है जो अभी का सारण है, सोनपुर एंड मानर, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सारे जगह पे ही कैलकुलिथिक एविडेंसेस मिले हैं। अगला है द एविडेंस ऑफ फर्स्ट अपियरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन बिहार फाउंड एट, तो किस कहाँ पे फाउंड किया गया है फर्स्ट जो ह्यूमन अपीयरेंस बिहार में, ऑप्शन है मुंगेर, नालंदा, गया, देहरी, चंपारण, मुजफ्फरपुर एंड नन ऑफ द एवब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मिला है मुंगेर और नालंदा में फर्स्ट ह्यूमन बीइंग का अपीयरेंस बिहार में, इंपॉर्टेंट है बहुत। अगला देखते हैं पंच मार्क्ड क्वाइंस
विच वर फाउंड इन अबंडेंस इन बिहार वर मेड ऑफ, पंचमार्क कॉइन जो है किससे बना होता था, जो कि बिहार में बहुत ही ज़्यादा मिलता था, तो ये बना होता था आपका सिल्वर से, पंचमार्क कॉइन जो है सिल्वर का बना होता था। अगला देखते हैं, द अर्लीस्ट स्टोन एज साइट हैज़ बीन एक्सक्वेटेड एट पैसारा, पैसारा में जो है अर्लीस्ट स्टोन एज साइट मिला गया है पैसारा में, तो बोला जाता है कि पैसारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो ऑप्शन है मुंगेर, भागलपुर, पटना, गया, बताइए कौन से में लोकेटेड है पैसारा, तो ये लोकेटेड है आपका मुंगेर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, फ्रॉम विच न्यूलिथिक साइट द एंटलर बोन्स टूल हैव बीन अनअर्थन, कहाँ से एंटलर टूल जो है निकाला गया है, ये ऑप्शन है मानेर, बरौडी, चेचार, चिरांद, तो ये मिला है आपका चिरांद से, ऑप्शन नंबर डी। विच टाइप ऑफ पोट्री बिलोंग्स टू न्यूलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड का जो पीरियड के टाइम पे कौन सा पोट्रीज हुआ करता था, तो ऑप्शन है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, अदर कलर्ड पोट्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक एंड रेड वेयर। देखते हैं अगला, एन आइवरी फीमेल डांसिंग फिगर विथ आर्टिकुलेट लिम्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट, ये जो है आइवरी फीमेल डांसिंग फिगर कहाँ से डिस्कवर किया गया है, तो ऑप्शन है चंपा, ताराडी, मानेर, सोनपुर, तो ये डिस्कवर किया गया है दोस्तों चंपा से, जो चंपा उस टाइम पे एक वन ऑफ द 16th महाजनपदास का ये भी पार्ट था, जो कि बिहार में 3 महाजनपदास थे, मगधा, चंपायन, वैशाली, तो ये पार्ट था, ये मिला है चंपा में, जो अभी प्रेजेंट है भागलपुर है। देखते हैं नेक्स्ट, 80 पिलर हॉल बिलोंग टू मौर्यन पीरियड वॉज एक्सकवेटेड, 80 पिलर हॉल जो है कहाँ से एक्सकवेट किया गया है, तो ऑप्शन है इसका कुकरीहार, रामपुरवा, लौरिया आर्यराज एंड कुमराहार, तो ये 80 पिलर हॉल जो है चंद्रगुप्त मौर्य का, ये मिला है कुमराहार से, ये पटना में है। अगला है, लार्ज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एक्सकवेटेड एट अंतिचक इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर हैज बीन आइडेंटिफाइड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो अंतिचक में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये अंतिचक वहाँ पे एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मिला है, तो वो क्या है, तो आइए देखते हैं वो क्या है, वो है आपका, ऑप्शन देख लेते हैं इससे आप लोग इजीली कर सकते हो, नालंदा महावीरा, विक्रमशिला महावीरा, उदंतपुरी महावीरा एंड तक्षशिला महावीरा, तो ये अंतिचक भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये यहाँ पे है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, एंशियंट यूनिवर्सिटी, जिसको धर्मपालक इसको इस्टेब्लिश किया था और बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया इसको। आइए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड नॉट इशू अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स, किसने लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स इशू नहीं किए इनमें से, तो ऑप्शन है पालास, गुप्तास, मौर्यास, सेनास, तो ये किसने इशू नहीं किए थे, ये पालास के टाइम पे बहुत ही कम कॉइन इशू हुआ था। विच टेक्स प्रोवाइड द क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द आर्यन एक्सपेंशन इन नॉर्थ बिहार, तो आर्यन एक्सपेंशन इन नॉर्थ बिहार का एविडेंस कौन सा इंस्क्रिप्शन देता है, ऑप्शन है ऋग्वेदा, उपनिषद, वायुपुराण एंड सतपथ ब्राह्मणा, तो इसका इन्फॉर्मेशन देता है कि नॉर्थ बिहार में आर्यन के एक्सपेंशन के बारे में सतपथ ब्राह्मणा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर कंपाइल्ड इन सिलोन, जो कि श्रीलंका है अभी, पहले इसको एंशियंट टाइम पे सिलोन बोला जाता था, तो बुद्धिस्ट जो है कौन सा कंपाइल किया गया है श्रीलंका में, तो ऑप्शन है दीपवंशा, महावंशा, दिगाय निकाया, विनय पिटका एंड दिव्या वदाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपवंशा एंड महावंशा जो है ये कंपाइल किया गया श्रीलंका में। नेक्स्ट है इसमें हम लोग देखेंगे मगधास के बारे में, तो क्वेश्चन है आर्यंस अराइव्ड इन बिहार ड्यूरिंग, तो आर्यंस जो है किस टाइम पे बिहार में पहुंचा, तो ये लेटर वैदिक पीरियड में पहुंचा था बिहार आर्यंस। नेक्स्ट है विच फैक्टर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ आर्यंस इन बिहार एज वेल एज ईस्टर्न इंडिया, तो ये कौन सा फैक्टर था 6th सेंचुरी के अराउंड जो ये रहा एक्सपेंशन का ईस्टर्न इंडिया में, तो ये था
ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सपेंशन ऑफ डायनेस्टीज, यूज ऑफ आयरन एंड ट्रेड डेवलपमेंट। तो इसका मेन फैक्टर जो रहा ईस्टर्न एक्सपेंशन आर्यंस का, यह था यूज़ ऑफ आयरन, क्योंकि 6th सेंचुरी में आयरन का डिस्कवरी हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, विच टेक्स्ट मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार, कौन सा टेक्स्ट मेंशन करता है ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार के बारे में। तो ऑप्शन है ऋग्वेदा, शतपथ ब्राह्मणा, वायु पुराणा एंड सामवेदा। तो इसके बारे में जो है फर्स्ट मेंशन किया गया है आपका शतपथ ब्राह्मणा में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द वर्ड वर्तया मेंशनड इन द अथर्ववेदा रेफर्स टू द पीपल ऑफ, जो वर्तया जी कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये मेंशन जो अथर्ववेदा में मेंशन है ये कहाँ के पीपल को रेफर करने के लिए बोला जाता था। तो ये ऑप्शन है आपका अंगा, वज्जीज, वेदिया और मगधा। तो मगधा के पीपल को बोला जाता था वर्तयास। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इम्पॉर्टेंट स्टेट इन द लेटर वैदिक पीरियड इन बिहार, लेटर वैदिक पीरियड में कौन सा स्टेट जो है इम्पॉर्टेंट था उस टाइम पे, लेटर वैदिक पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, वज्जी, वेदिया, मगधा। तो लेटर वैदिक पीरियड में ये इम्पॉर्टेंट स्टेट था बिहार में आपका, लेटर वैदिक पीरियड में इम्पॉर्टेंट था बिहार में वेदिया, वेदिया। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी एंड वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर, नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, महापद्मनंदा। ऑप्शन देख लेते हैं, महापद्मनंदा, कालाशोका, पुष्यमित्रा एंड नंदा धननंदा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो कि कंटेम्प्रेरी था अलेक्जेंडर के, तो हमने ऑप्शन भी देख लिया, आइए आंसर देखते हैं इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धननंद, जिसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया था। आइए देखते हैं अगला, बिंबिसार मैरिड टू, किससे मैरिड किया था बिंबिसार ने, देख लेते हैं ऑप्शन, कसोला देवी, चलेना एंड केसमा एंड ऑल ऑफ द अबव। तो बिंबिसार जो है उसका बेसिकली जो एम्पायर एक्सपेंशन का था, जो मैरिज अलायंस के थ्रू भी वो एम्पायर को एक्सपेंशन किया अपना एम्पायर का, मगधा एम्पायर का। तो इसमें से इनने तीनों से शादी किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास वॉज नॉट सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ मॉडर्न बिहार, तो मॉडर्न बिहार में जैसे कि हमने पढ़ा भी है और मैंने इसको बहुत ही एक्सटेंसिव कवर कराया है एनसीएट इंडिया में, इसका पहले ही मैं लेक्चर कर चुका हूँ इसी चैनल पे, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जो है महाजनपदास जो बिहार में जो तीन ही महाजनपदास अंगा है, वज्जी और मगधा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो नहीं है सिचुएटेड बिहार में वो है वत्सा। अगला देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच रीजन ऑफ बिहार वॉज द अंगा महाजनपदा सिचुएटेड, कौन से रीजन में अंगा महाजनपदा सिचुएटेड था। तो देख लेते हैं कौन सा कहाँ पे था ये अंगा महाजनपदा, तो ये अभी प्रेजेंट जो भागलपुर मुंगेर है वहाँ पे अंगा महाजनपदा सिचुएटेड था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा महाजनपदा वॉज, फर्स्ट कैपिटल मगधा महाजनपदा का कहाँ पे था, वो था ऑप्शन है पाटलिपुत्र, गिरिराज, वैशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट जो कैपिटल था मगधा का वो था गिरीव राजा, जिसको राजगीर भी बोलते हैं अभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग क्लैन वॉज नॉट द पार्टी ऑफ वज्जी रिपब्लिक, वज्जी जो है टोटल 8 क्लैन से बन के बना था वो, तो वज्जी रिपब्लिक में जो है कौन सा पार्टी नहीं था उस क्लैन का, तो वो था आपका छेदी नहीं था। कैपिटल ऑफ लिच्छवी का लिच्छवीज का कैपिटल कहाँ पे था, ऑप्शन है वैशाली, कुंदग्राम, मिथिला, चंपा। तो इसका कैपिटल था वैशाली में, ऑप्शन नंबर ए। विच रिवर डिमार्केटेड द महाजनपदा ऑफ मगधा एंड अंगा, तो अंगा और मगधा को डिमार्केट किसने किया, कौन से रिवर ने, तो ये है आपका रिवर ऑप्शन है 80, चंपा, गंडक, वरुणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपा रिवर, मगधा और अंगा महाजनपदास को सेपरेट करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास इन बिहार वॉज अ यूनियन ऑफ 8 रूलिंग क्लैन्स, तो कौन सा था एट रूलिंग क्लैन से बना था वो, ऑप्शन है वज्जी, मगधा, अंगा और इसमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वज्जी रिपब्लिक, जो जिसका कैपिटल था वैशाली, वो यूनियन ऑफ 8 रूलिंग क्लैन्स का था। अगला देखते हैं,
पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वर पार्ट ऑफ विच महाजनपदास, तो कौन से महाजनपद का पार्ट था, पटना और गया। ऑप्शन है अंगा, वज्जी, अस्मक, मगधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगधा, जो कि साउथ बिहार में है। देखिए अगर आप ऐसे अगर देखें, ये बिहार हो गया, रफ फिगर ले रहे हैं, तो ये गंगा हो गया, यहाँ पे है वैशाली नॉर्थ में गंगा के, साउथ में है मगधा जो कि पटना गया हो गया, और यहाँ पे है आपका अंगा भागलपुर में। तो ये था अगला है द कैपिटल ऑफ अंगा महाजनपदा। अंगा महाजनपदा का कैपिटल कहाँ पे था, तो ये था भाई ऑप्शन है गया, गिरिराज, वैशाली, चंपा। तो अंगा महाजनपदा का कैपिटल था चंपा। देखते हैं नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द महाभारत एंड पुराणास द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल मगधा, तो फर्स्ट डायनेस्टी जिसने मगधा रूल किया वो था, ऑप्शन है शिशुनागास, बृहद्रथास, नंदास एंड हरियंकास। तो फर्स्ट डायनेस्टी जिसने रूल किया वो था बृहद्रथास, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन रूल इसी ने किया था। रियल फाउंडर किसको माना जाता है, हरियंका डायनेस्टी के बिंबिसार को माना जाता है, लेकिन जो फर्स्ट डायनेस्टी था वो बृहद्रथास था। देखते हैं अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मगधा वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर, कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर के कौन से रूलर था मगधा का, ऑप्शन है धनानंदा, चंद्रगुप्त मौर्य, सुकल्पा, महापद्मनंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनानंदा, लास्ट रूलर भी था ये नंदा डायनेस्टी का। नेक्स्ट देखते हैं, अजात शत्रु कंस्ट्रक्टेड अ फोर्ट ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन नियर अ विलेज कॉल्ड पटाली विच इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम डेवलप इंटू सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, दिस फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन एंटिसिपेशन ऑफ वॉर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। तो जो एक पटाली विलेज है ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा और आपका सोन रिवर पे, वहाँ पटाली विलेज में एक उसने अजात शत्रु ने फोर्ट क्रिएट किया गया था, वही बता रहा है कि वो फोर्ट जो है कब क्रिएट किया गया था, जिस किससे वॉर जीत के आया था उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो फोर्ट बनाया गया था। तो वो फोर्ट बनाया गया था वज्जी से जब वॉर जीता अजात शत्रु, तो वो फोर्ट क्रिएट किया गया ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन, और धीरे धीरे वो पाटलिपुत्र सिटी के रूप में डेवलप हुआ। तो यह है वज्जी, इसका राइट आंसर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर परमानेंटली मेड द पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ मगधा, तो कौन से रूलर ने जो है परमानेंट कैपिटल बना दिया पाटलिपुत्र को मगधा का, ऑप्शन है शिशुनागा, अजातशत्रु, बिंबिसारा और कालाशोका। तो ये परमानेंट कैपिटल बना दिया कालाशोका ने, इसके पहले वैशाली था और कालाशोका का टाइम थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी हेल्ड हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, अगला है द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी कौन है, ऑप्शन है धनानंदा, मुंडा, महापद्मनंदा, कालाशोका। तो इसका लास्ट रूलर नंदा डायनेस्टी का वो है आपका धनानंदा। फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी वॉज, नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, ऑप्शन है धनानंदा, महापद्मनंदा, मुंडा और नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महापद्मनंदा। देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द विच रूलर ऑफ मगधा क्लेम टू बी इकारत द सोल सोवरीन हु हैड डिस्ट्रॉयड ऑल अदर रूलिंग प्रिंसेस। तो इकारत किसने अपने आप को बोला, इकारत का मतलब होता है कि जिसने सारे रूलिंग प्रिंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये अपने आप को टाइटल दिया था, किसने दिया था, ऑप्शन देखते हैं अजात शत्रु, बिंबिसारा, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंदा। तो ये दिया था महापद्मनंदा, जो नंदा डायनेस्टी का फाउंडर था, उसने अपने आप को बोला कि आई एम द इकारत, जिसने सारे रूलिंग क्लास को, रूलिंग प्रिंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अगला है देखते हैं, बिंबिसारा एंड अजात शत्रु बिलोंग टू विच डायनेस्टी, तो ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ऑप्शन है हरियंका, शिशुनाग, नंदा एंड बृहद्रथास। तो ये बिंबिसारा अजात शत्रु बिलोंग करते थे हरियंका डायनेस्टी से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनेक्स्ट बाय बिंबिसार आफ्टर द डिफीटिंग ब्रह्मदत्त, बिंबिसारा ने किस कौन सा स्टेट जो एनेक्स किया था आफ्टर डिफीटिंग ब्रह्मदत्त को हरा के, बिंबिसारा ने कौन सा स्टेट, कौन सा महाजनपद एनेक्स किया था, तो ये किया था, ऑप्शन है अंगा, अवंती, कलिंगा, कसोला। बताइए कौन सा किया था बिंबिसारा, मतलब ब्रह्मदत्त कहाँ का था राजा, तो ये था अंगा का, ऑप्शन नंबर ए। अगला है द सेकेंड रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी कौन है बिंबिसारा के बाद, ऑप्शन है बिंबिसारा, उदयीन, अजातशत्रु, नागादशका। तो इसका उसके बिंबिसारा के बाद रूल आया अजातशत्रु, उसके बेटे का। अगला देखते हैं,
अजात शत्रु यूज्ड वेपन सच एज रथमसूला एंड महाशिला कंतका इन अ वॉर अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट ये किया गया यूज़, इसके लिए मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा। आप इसको मतलब कि इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा ही कुछ था। तो ऑप्शन है अंगा, कसोला, लिच्छवी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये किसके अगेंस्ट यूज किया गया था, ये यूज़ किया गया था है लिच्छवी के अगेंस्ट, ये दोनों वेपन रथमसूला एंड महाशिला कंतका। ये ऐसा था बेसिकली, अगर आपने बाहुबली मूवी देखा हो तो उसमें एक 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 वेपन होता है भल्लाल देव के पास, एक होता है बाहुबली के पास। भल्लाल देव के पास क्या होता है, रथ में वो तलवार और वो लोग मतलब कि एकदम शार्प वेपन लगे होते हैं, और एक है बाहुबली के पास जिसमें कि बहुत बड़ा ऐसा मतलब कि गोला फेंका जाता है उसमें ऑयल लगा के, ताकि उसके बाद फिर पर्दे में आग लगाया जाता है। ऐसा मतलब कि समझो कि दो ऐसा वेपन था जो अजात शत्रु ने इन्वेंट किया था अगेंस्ट वॉर ऑफ लिच्छवीस, तभी लिच्छवीस को हरा पाया। देखते हैं अगला, ये सिर्फ मतलब रेफरेंस के लिए कि आप ऐसा समथिंग कुछ सोचो, एग्जैक्ट क्या था वो पता नहीं। अगला है द लास्ट रूलर ऑफ हरियंका, जो हरियंका डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था। ऑप्शन है उदयन, अनुरुद्धा, मुंडका, नागदशका। तो लास्ट रूलर था हरियंका डायनेस्टी का आपका, हरियंका डायनेस्टी का लास्ट फर्स्ट रूलर कौन था इसका, बिंबिसारा था। तो लास्ट रूलर है इसका नागदशका, हरियंका डायनेस्टी का नागदशका, ऑप्शन नंबर डी। अगला है विच डायनेस्टी इस्टेब्लिश इट्स रूल आफ्टर द फॉल ऑफ हरियंका डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुआ। ऑप्शन है शिशु नागा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, नन्ना डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, बताइए आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशु नाग डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर ए, शिशु नाग ने शिशु नाग डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया था, और इसने कैपिटल ट्रांसफर कर दिया पाटलिपुत्र से वैशाली। देखते हैं अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इस्टेब्लिश हिज कैपिटल एट वैशाली। तो वैशाली जो है किसने कैपिटल इस्टेब्लिश किया, नागदशका, महापद्मनंदा, शिशुनाग एंड कालाशोका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया वैशाली कैपिटल ट्रांसफर कर दिया था, यह कर दिया गया था शिशुनागा डायनेस्टी के शिशुनागा ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला है विच रूलर ऑफ मगधा इज क्रेडिटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रदेवताज, प्रदेवताज जो था उस टाइम पे रूल कर रहा था अवंती में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था फर्स्ट टाइम मगधास, एक मिनट सॉरी, हाँ ये था, ये देखिए ये रहा प्रदेवताज को डिस्ट्रॉय किसने किया था, ऑप्शन है अवंती के रूलर जो थे उसका ऑप्शन है कालाशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसारा और शिशुनाग। तो इसको प्रदेवताज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ये किया था आपका शिशुनाग ने, और शिशुनाग का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट यही था, क्योंकि मगधा और अवंती का 100 ईयर से मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था सुप्रीमेसी के लिए, तो फाइनली शिशुनाग ने अवंती के रूलर को हरा दिया। अगला है विच रूलर ऑफ मगधा सेंट हिज मिनिस्टर वसकारा, सेंट हिज मिनिस्टर वसकारा टू लिच्छवी टेरिटरी टू सो द सीड्स ऑफ डिसेंशन। देखिए बेसिकली ऐसा था क्योंकि जो लिच्छवीज था वो बहुत ही स्ट्रांग, और फर्स्ट रिपब्लिक पता है हमको वर्ल्ड का लिच्छवीज है, तो उसको अजात शत्रु नहीं हरा पा रहा था। तो गौतम बुद्धा ने उसको एडवाइस किया कि आप वैशाली को जो लिच्छवीज है उसको ऐसे नहीं हरा सकते, तो पहले आपको लिच्छवी के लोगों को, वहाँ के आम जनता को उसके राजा के अगेंस्ट करना पड़ेगा, तभी उसका हरा पाओगे। तो ये बात मानते हुए अजात शत्रु ने अपना जो मिनिस्टर है उसको वसकारा सेंड किया लिच्छवी कि वहाँ के लोगों को उनके राजा के खिलाफ भड़काओ, तभी हम लोग फिर अटैक करेंगे तो वॉर जीत सकते हैं। तो फाइनली ये हुआ, और उस टाइम पे रथमसूला और महाकला शिल्पिका वो भी ओपन था अजात शत्रु के पास, देन वहाँ के लोगों को भड़काया भी और अटैक किया, देन उसके बाद अजात शत्रु ने ये वॉर भी जीत गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। नेक्स्ट है विच रूलर मेड अ गिफ्ट टू बुद्धा ऑफ वेनुवाना, वेनुवाना किसने गिफ्ट किया बुद्धा को। तो वेनुवाना बेसिकली बैम्बू गार्डन हुआ करता था, तो ये गिफ्ट किया था बुद्धा को बिंबिसार ने, अजात शत्रु बिंबिसार सुनगा, तो इसको बिंबिसार ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ मगधा डायनेस्टी, तो रियल फाउंडर मगधा डायनेस्टी किसको बोला जाता है। ऑप्शन देखते हैं बिंबिसार, शिशुनाग, जरासंध एंड महापद्मा। तो रियल फाउंडर है बिंबिसारा को बोला जाता है। अगला देखते हैं बोथ गौतम बुद्धा एंड महावीरा डाइड ड्यूरिंग, किसके टाइम पे,
गौतम बुद्धा और महावीरा का डेथ हुआ। ऑप्शन है बिंबिसारा, अजात शत्रु, काला शोका, धनानंदा। तो ये अजात शत्रु के टाइम पे दोनों का डेथ हुआ। देखिए गौतम बुद्धा और महावीरा तो एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी था ही, अजात शत्रु का भी कंटेम्प्रेरी था और उसके मतलब कि फादर का भी कंटेम्प्रेरी था जो बिंबिसार थे। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगधा टू कॉन्कर कलिंगा, फर्स्ट रूलर कौन था जो कलिंगा को कॉन्कर किया। ऑप्शन है अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोका, महापद्म नंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महापद्म नंदा, जिसने फर्स्ट टाइम कलिंगा को कॉन्कर किया। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ मगधा फॉर द फर्स्ट टाइम मगधा का कौन सा रूलर था जिसने पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया। ऑप्शन है कालाशोका, अजात शत्रु, उदयन, बिंबिसारा। तो ये था बिंबिसारा जो फर्स्ट टाइम उसने पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया। कहाँ से उसका पहले कहाँ था कैपिटल, वो था राजगीर। अगला है राइज ऑफ मगधा डायनेस्टी बिगन ड्यूरिंग, मगधा डायनेस्टी का राइज जो है कब से स्टार्ट हुआ। ऑप्शन है 4th century BC, 5th century BC, 6th century BC एंड 1st century BC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6th century BC। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से जितने भी MCQs बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हु अमंग फॉलोइंग वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रेरी कौन थे। ऑप्शन है नागार्जुन, कनिष्का, कौटिल्या, महावीरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महावीरा हो जाएगा। ये दोनों अपने एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ अर्ली जैना लिटरेचर, अर्ली जैना लिटरेचर का कौन सा पार्ट नहीं था। तो इसका ऑप्शन है तेरी गथा, अचरंग सूत्रा, सूत्र कीर्तंगा एंड बृहत कल्प सूत्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट तेरी गाथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अनुवर्ता वॉज एडवोकेटेड बाय, अनुवर्ता का कॉन्सेप्ट जो है किसने एडवोकेट किया था। महायाना बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, लोकायताना स्कूल एंड हीनयाना बुद्धिज़्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनिज़्म का है ये। अनुव्रता जो है कॉन्सेप्ट है, अनुव्रता कॉन्सेप्ट ये जैनिज़्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ गिवन द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज़्म टू साउथ, जो साउथ इंडिया में जो है जैनिज़्म को किसने स्प्रेड किया उसका क्रेडिट किसको जाता है। ऑप्शन है सुदर्मना, इंद्रभूति, भद्रबाहु, स्थूला भद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रेडिट किसको जाता है साउथ इंडिया में जैनिज्म को स्प्रेड करने का, ये भद्रबाहु को जाता है। बेसिकली जब मगधा में 12 ईयर का फेमाइन आया था, जब ड्राउट आ गया था, तो उस टाइम जो है चंद्रगुप्त मौर्य इसके साथ ही भद्रबाहु के साथ ही चला गया था चंद्रगिरी हिल पे साउथ इंडिया में, मैसूर के पास है कर्नाटका में। तो फिर बेसिकली इसको जाता है भद्रबाहु को क्रेडिट की साउथ इंडिया में जैनिज़्म को स्प्रेड किया। उसके बाद ही जब वो लोग लौट के आए तो जैनिज़्म का दो पार्ट हो गया, स्वतंबर एंड दिगंबर। देखते हैं, खैर हम लोग MCQs देख रहे हैं। विथ विच रीज़न इज़ कौटिल्या एसोसिएटेड, रिलीजन कौन से रिलीजन से कौटिल्या एसोसिएटेड था। ऑप्शन है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुज़्म, सिखिज़्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये था जैनिज़्म से, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो ज़्यादा पैट्रोनेज ज़्यादा सपोर्ट करता था जैनिज़्म को। देखते हैं अगला, द रिलिक्स ऑफ बुद्धा आर प्रिजर्व्ड इन, बुद्धा का जो रिलिक्स है किस में प्रिजर्व किया जाता था। तो ऑप्शन है विहारा, चैत्या स्तूपा, मोनेस्ट्री। तो बुद्धा का जो रिलिक्स जो है वो किस में प्रिजर्व किया जाता था, ये किया जाता था स्तूपा में। ऑप्शन नंबर सी, मीनिंग ऑफ बुद्धा, बुद्धा का मीनिंग क्या है, एनीथिंग बियॉन्ड द गॉड, सोल आफ्टर डेथ, या द इनलाइटेड वन एंड द अल्टीमेट पाथ ऑफ मोक्ष। तो बुद्धा का मतलब होता था ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा द इनलाइटेड वन। अगला है देखते हैं नेक्स्ट,
विच प्लेस डिड गौतम बुद्धा मीट द फर्स्ट ब्राह्मण आफ्टर अचीविंग हिज इनलाइटनमेंट. तो जो है फर्स्ट जो है सॉरी विच प्लेस डिड गौतम बुद्धा मीट द फाइव ब्राह्मण्स सॉरी फाइव ब्राह्मण्स आफ्टर अचीविंग हिज इनलाइटनमेंट. तो ये बेसिकली वही प्लेस था जहाँ पे फर्स्ट सेरमन दिया था अपना बुद्धा ने, तो वो था आपका सारनाथ. नेक्स्ट है गौतम बुद्धा गेन इनलाइटनमेंट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर. तो कौन से रिवर पे इनलाइटनमेंट मिला था इसको गौतम बुद्धा को, बोधगया में तो मिला था, वहाँ पे कौन सा रिवर था? ऑप्शन है गंगा, निरंजना, सोन, गंडक. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा निरंजना रिवर, ऑप्शन नंबर बी. द फेमस बुद्धिस्ट डिसाइपल सरीपुत्रा वॉज बॉर्न इन. सरीपुत्रा कहाँ पे बॉर्न हुआ? ऑप्शन है गया, वैशाली, पटना, नालंदा. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा में इसका बॉर्न हुआ. नेक्स्ट देखते हैं, द फेमस बोधि टेम्पल वॉज बिल्ट एट बोध गया वेयर. बोध गया में कहाँ पे फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल बिल्ड किया गया? जहाँ पे बुद्धा को इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था. गौतम बुद्धा अचीव्ड इनलाइटनमेंट, ऑप्शन नंबर सी. अगला देखते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ 12th जैना तीर्थंकर. तो जैना तीर्थंकर का कहाँ है बर्थ प्लेस 12th जो था जैना तीर्थंकर? ऑप्शन है चंपा, वैशाली, पटना, गया. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपा. नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट जैना काउंसिल. द फर्स्ट जैना काउंसिल का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था देखते हैं हम लोग. ऑप्शन है सबक मीर, महाकसप्पा और देवरती एंड स्थूलभद्रा. तो इसका राइट आंसर है को फर्स्ट जो है जैन काउंसिल को प्रेजाइड किया था स्थूलभद्रा ने, ऑप्शन नंबर डी. अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग रेन ऑफ किसके टाइम पे फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, अशोका, कनिष्का. इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य. और ये कहाँ पर हेल्ड हुआ था फर्स्ट जैन काउंसिल, वो भी आगे मिलेगा क्वेश्चन, ये अलग पाटलिपुत्र में हुआ था. चलिए देखते हैं आगे, फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड एट, देखिए आ गया फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ पे हुआ? ऑप्शन है वल्लभी, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरा. तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में. महावीरा डाइड एट विच प्लेस, महावीरा कौन से प्लेस पे उसका डेथ हुआ? वैशाली, वैदिया, पावापुरी, राजगीर. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पावापुरी. महावीराज मदर त्रिशला वॉज अ प्रिंसेस ऑफ. तो कौन किसके प्रिंसेस थी वो महावीरा का मदर? तो ये थी ऑप्शन है लिच्छवी, सारनाथ, अंगा, वैदिया. तो ये थी लिच्छवी की प्रिंसेस, महावीरा के मदर. नेक्स्ट है महावीराज फादर सिद्धार्थ वॉज रिलेटेड टू. ऑप्शन है कपिला वस्तु, वैदिया, सारनाथ, वज्जी रिपब्लिक. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? वज्जी रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट है कुंदाग्राम द बर्थ प्लेस ऑफ महावीरा सिचुएटेड इन. कुंदाग्राम जो है महावीरा का जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो वो सिचुएटेड है ऑप्शन है पटना वैशाली मुंगेर चंपारण. तो ये कहाँ पे है भाई? ये कुंदाग्राम वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हेल्ड हुआ? ऑप्शन है राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र एंड कुंदावलम. तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ है राजगीर में. देखते हैं अगला, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ? ऑप्शन है कालाशोका, अजातशत्रु, अशोका, कनिष्का. तो ये ऑप्शन हेल्ड हुआ अजातशत्रु के टाइम, जस्ट आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा 483 BC में ही. नेक्स्ट है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था? बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे. ऑप्शन है सबकमीर, वसुमित्रा, मोगली पुत्र तिस्सा एंड महाकसप्पा. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाकसप्पा. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रेजाइड इसी ने किया था, महाकसप्पा ने. ये क्वेश्चन इस बार 66 BPSC में पूछा गया है. देखिए मैंने बोला ना ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और फ्रीक्वेंट रिपीट होते रहते हैं ये सब क्वेश्चन, तो इसको जरूर देखें. अगला है द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है हेल्ड हुआ कहाँ पे? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात किया जा रहा है तो ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर,
कुंदल वना, और ये इसका राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हेल्ड हुआ, वैशाली में। अगला है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ, ऑप्शन है अशोका, काला अशोका, कनिष्का, अजात शत्रु। तो फर्स्ट तो अजात शत्रु के टाइम पर हुआ था, तो सेकेंड जो हुआ है काला अशोका के टाइम पर हुआ वैशाली में। देखते हैं, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। देखिए अभी ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल पे कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल को किसने प्रेजाइड किया है। तो इसका ऑप्शन है वसुमित्रा, मोगली पुत्ता तिस्सा एंड सबक मीर एंड वसुमित्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल है उसको प्रेजाइड किया था सबक मीर ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड कहाँ पे हेल्ड हुआ, काउंसिल कहाँ पे हेल्ड हुआ। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल देखिए ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंदलवना एंड राजगीर। तो देखिए फर्स्ट तो हुआ था आपका राजगीर में, सेकेंड हुआ वैशाली में, तो थर्ड के बारे में पूछा जा रहा है, तो थर्ड हो जाएगा आपका पाटलिपुत्रा में। अगला है, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम पर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ। तो ऑप्शन है आपका अशोका, काला अशोका, कनिष्का, अजात शत्रु। तो ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वेरी फेमस अशोका के टाइम पे हेल्ड हुआ। अगला है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था। तो ऑप्शन है आपका महाकसप्पा, सबकमीर, मोगली पुत्ता तिस्सा और वसुमित्र। देखिए महाकसप्पा तो फर्स्ट का था, सबक मीर सेकेंड का था, ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब वसुमित्रा और मोगली पुट्टा तिस्सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिस्सा, जो उसका एक ब्रदर था। ये ऐसे कहा जाता है अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन क्रॉनिकल कि अशोका ने जो 99 ब्रदर्स को किल किया था थ्रोन पे बैठने के लिए और एक ही को छोड़ा था, वो था तिस्सा। तो वही उसका प्रेजाइड किया था काउंसिल। देखते हैं नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट, आजीविका सेक्ट का फाउंडर कौन है। ऑप्शन है आजीविका, महाखली, गोसाला, पकुडा एंड पुरानास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाखली गोसाला, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सस्वतावाड़ा वॉज गिवन, जो सस्वतावाड़ा का डॉक्ट्रिन जो है किसने दिया है आपका। ऑप्शन है अजीता केसा कंबलिन, मक्कली घोसाला, संजय बेलथी पुट्टा एंड पकुड़ा कक्कयाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पकुड़ा कक्कयाना, ऑप्शन नंबर डी, जिसने सस्वत्तवाड़ा का डॉक्ट्रिन दिया था। तो यह था बुद्धिस्ट रिलेटेड। ओके, थैंक यू सो मच, आप इसको देखते रहिए। अगर इसका मैं लेक्चर भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसको भी देखें और ये आप MCQs भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, और चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक यू, और आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, और आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।